हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल नेट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली कुछ कंपनीज आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे फीचर्स दे देती है, और ऑफलाइन अगर आप जाते हैं तो वही फीचर्स आपको काफ़ी महंगे प्राइस चुका के मिलते हैं। स्पेशली अगर कंपेयर करूँ एम आई एक ऑनलाइन ब्रांड है जो ऑफलाइन भी आ चुका है, लेकिन फिर भी सस्ता क्यों है। और सैमसंग या अदर ब्रांड्स जो आपसे काफ़ी अच्छा अमाउंट लेते हैं, फीचर्स कम देते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो फ्रेंड, स्पेशली अभी तक MI ने तो कम ही शोरूम खोले हैं और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि MI ने एक हाइप बना रखा है कि उसका प्रोडक्ट मिलता नहीं है इजीली। तो ये ट्रू है कि प्रोडक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और मार्केट में एक हाइप बना हुआ है कि प्रोडक्ट आए तो उसे तुरंत बाय कर लिया जाए। फ्रेंड्स, यकीन नहीं होता कि कुछ लोगों ने 1500, 1500, 1600, 2000 ऊपर दे दे के फ़ोन ख़रीदे हैं। तो फ्रेंड, ऐसा मत करिए, MRP के ऊपर आप 1 रुपया मत दीजिए, ये गलत है। और कोई रिटेलर ऐसा करता है तो आप कंपनी में कंप्लेंट करिए। दूसरी चीज़, ऑनलाइन सस्ता क्यों पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे रीज़न यही है कि सबसे पहला वेयर हाउस मेंटेन नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन कोई भी कंपनी है वेयर हाउस मेंटेन नहीं करती, डायरेक्ट सप्लाई देती है कुरियर कंपनी के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, उनके वेयर हाउस से आपको डायरेक्ट सप्लाई मिलता है। कंज्यूमर्स से डायरेक्ट बल्क ऑर्डर मिलते हैं एक ही दिन में, तो उनको पता होता है कितने डिलीवर करने हैं। आप ऑलरेडी पेमेंट दे चुके होते हैं या कैश ऑन डिलीवरी देते हो, एटलीस्ट कन्फर्म ही होता है कि आपका पेमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी उस अकॉर्डिंग इसका मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कि कितने उन्हें ऑर्डर मिल सकते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों का पता होता है। ना सेल्समैन मैनेज करना पड़ता है, ना वेयर हाउस मैनेज करना पड़ता है, ना कोई शोरूम खोलना पड़ता है। डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाने का पैसा जो चार्ज लगता है, डायरेक्टली वही उनको पे करना होता है। तो इसीलिए जो शोरूम का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, और भोरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेंट होता है शोरूम्स का, बहुत सारी चीज़ें में ऐड होती है, वो सारी चीज़ें बच जाती है और उसी उसी अमाउंट को ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में खर्च करते हैं। और रियली फ्रेंड्स, ऑनलाइन बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई अच्छी साइट से ही बाई करिए जिसकी सर्विस पॉलिसी बहुत अच्छी हो और बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।